As we discussed in the last class, what is the recoverability? And I told ki recoverability ka matlab kya hai. Whenever we study the transaction, if somebody asks the transaction, they can ask two things in the transaction. First one, I told you that is the serializability. And the second one, they can ask the recoverability. Serializability ka matlab hai ki whatever the transaction is given, is there any serial order or not? Serializability ka matlab, can we execute if more than one transaction executing simultaneously? Is there any order exists, serial order exists for that transaction or not? If parallel, आप parallel भी बोलते हो या non-serial schedule बोलते हो, तो non-serial schedule के बारे में अगर हम बात करते हैं, that means कि there are so many members doing the work simultaneously. And if I say कि if so many members are doing the work simultaneously, can we make a row or make a line to do the work one by one? If we get that thing equivalent to non-serial to the serial, then that is called the serializability. I mean, if we are getting the one serial order with the help of non-serial order, then that is called the serializability. So now yahan par aap dekh sakte ho, as we can see here, schedules agar hamare paas given hai, to maine aapko bataya tha ki schedule can be divided in two parts, that is the serial and non-serial. So serial order ka matlab if T1, T2 and T3, अगर यहाँ पे तीन है एंड आई फाइव से एक ही T1 एंड देन T2 एंड देन T3 वर्क कर रहा है, सीरियली काम कर रहा है, यू कैन से हियर T2 T1 T3 एनी ऑर्डर. इफ एनी ऑर्डर एग्जीक्यूशन हमें एक सीरियल ऑर्डर मिल जाए कि वन बाई वन कोई काम कर रहा है, देन दैट इज नथिंग बट द सीरियल ऑर्डर. नाउ नॉन सीरियल ऑर्डर में क्या है कि T1 T2 T3 है एंड दे आर डूइंग द वर्क साइमल्टेनियसली. कभी ये काम कर रहा है, थोड़ी देर ये रुक गया, फिर इसने काम स्टार्ट किया, फिर इसने काम स्टार्ट किया, फिर ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया करना, फिर यहाँ पे ये रुक गया और ये काम कर लिया, फिर ये काम कर लिया. तो आप देख रहे हो कि जिग जैक मोशन में काम हो रहा है, पैरेलली कभी ये कभी ये. आई मीन यहाँ पे टाइम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है. तो इस तरह के एग्जीक्यूशन को हम बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन या नॉन सीरियल ऑर्डर भी बोलते हैं. अब कह रहा है कि अगर नॉन सीरियल है, तो अगर नॉन सीरियल है तो वहां पर दो बातें हमसे पूछी जाती है. क्या ये नॉन सीरियल सीरियलाइजेबल हो सकता है? सीरियल नाम से ही लग रहा है कि क्या हम इस नॉन सीरियल के इक्विवेलेंट एक सीरियल ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं. दूसरी बात मैं यहीं पे बता रही हूँ जो कि आज हमें पढ़ना है, क्या ये नॉन सीरियल रिकवरेबल भी हो सकता है कि नहीं. ओके, आई विल राइट हियर, रिकवरेबल भी हो सकता है कि नहीं, हमें वो देखना है. तो पहली चीजें तो हमने देख ली है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया भी था कि अगर नॉन सीरियल का हमें सीरियलाइजेबिलिटी देखनी है तो वी स्टडीड टू मेथड्स इन द लास्ट लेक्चर. द फर्स्ट वन इज द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, द सेकंड वन इज द व्यू सीरियलाइजेबल. तो ऑलरेडी वी डिस्कस दीज टू मैथड कि हम सीरियलाइजेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वॉट आर द मैथड्स अवेलेबल फॉर दैट, वी डिस्कस दैट ऑलरेडी. नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिकवरेबल कि अगर एक नॉन सीरियल शेड्यूल है तो हमने उसको देख लिया कि हम सीरियल उसे कैसे बना लेते हैं. अब आपने देखा कि इन दोनों, पहला मेथड क्या था, कॉन्फ्लिक्ट. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं प्रूफ कर पाते थे तो हम व्यू चेक करते थे. अगर व्यू भी नहीं है तो फाइनली हम बोल देते थे भाई तुम नॉन सीरियल हो, नॉन सीरियल ही रहोगे, तुमको मैं सीरियल नहीं बना सकता हूँ. तो जिन लोगों को आप सीरियल नहीं बना सकते हो, तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे रह गए होंगे जिनको हमने ना तो कॉन्फ्लिक्ट से प्रूफ कर पाए, ना ही व्यू से प्रूफ कर पाए कि वो सीरियल बन सकता है. अब हम उन नॉन सीरियल को फिर से यहां पर देखेंगे कि उन नॉन सीरियल्स में क्या हम ये देख सकते हैं कि भाई तुम रिकवरेबल या नॉन रिकवरेबल भी हो सकते हो क्या. तो यानी वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस नॉन सीरियल शेड्यूल. तो नॉन सीरियल शेड्यूल में ही आपको सीरियलाइजेबिलिटी भी चेक करनी एंड रिकवरेबिलिटी भी चेक करनी है. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिकवरेबल, पहले मैं आपको फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ कि रिकवरेबिलिटी में हम क्या क्या चीजें देखेंगे एंड किसके लिए रिकवरेबिलिटी हम चेक करने जा रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, जो सीरियल है उसकी रिकवरेबिलिटी हो ही जाएगी, जो नॉन सीरियल है उसकी रिकवरेबिलिटी में हमें प्रॉब्लम आती कि हम रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें उसके बारे में देखना है. तो देखिए यहाँ पे नॉन सीरियल शेड्यूल है, अब हम उस पर चेक करेंगे कि भाई तुम रिकवरेबल हो या नहीं हो. अगर नहीं है
तो कैसे नहीं है, अगर रिकवरेबल में भी आप थ्री टाइप्स यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज द कास्केडिंग शेड्यूल। इस कास्केडिंग शेड्यूल को हम बोलते हैं कास्केडिंग रोल बैक भी बोलते हैं, तो आप शेड्यूल या इसे रोल बैक भी बोलते हैं, कास्केडिंग रोल बैक भी बोलेंगे या कास्केडिंग शेड्यूल भी बोलेंगे या कास्केडिंग एबॉर्ट भी बोलते हैं, ABORT, एबॉर्ट भी बोलते हैं। एबॉर्ट का मतलब कि जहां पे वो फेल हुआ वहीं से वो वापस हो जाए, रोल बैक हो जाए। नाउ द सेकेंड मैथड इज द कास्केडलेस, ये, एंड द थर्ड वन इज द स्ट्रिक्ट शेड्यूल, यानी कि इन दोनों के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हम लगाएंगे वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और भी ज्यादा आपने वहां पे वैलिडेशंस लगा दिए टू चेक दैट द गिवन शेड्यूल इज द रिकवरेबल और नॉट। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, वैसे लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था रिकवरेबल के लिए एक एग्जाम्पल लेके। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन आई विल टेक द सेम थिंग। सबसे पहले हमारे पास सपोज यहाँ पे दो शेड्यूल गिवेन है, सॉरी दो ट्रांजेक्शन है, दिस इज द एस शेड्यूल। एस के अंदर यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2। आप सोच रहे होगे सेकेंड कॉलम क्या है, आई ऑलवेज टोल्ड ना बफर, तो यहाँ पे क्या है आपका बफर भी बना हुआ है, ये T1 का बफर स्पेस है, यू कैन से दिस वन इज T2 बफर, बट यहाँ पर मैं एक डेटाबेस ले रही हूँ, डेटाबेस में हम इनिशियली लेके चल रहे हैं 6500। आपको पता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि द थिंग्स इज अवेलेबल इन द हार्ड डिस्क या आपके पेन ड्राइव, जो भी सेकेंडरी डिवाइस में डेटा अवेलेबल होता है, जरूरी नहीं कि जिस डेटा को आप रीड करने जा रहे हैं वो मेन मेमोरी में अवेलेबल है, विच इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। प्रोसेसर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सेकेंडरी डिवाइस से एंड लुक करेगा इफ दैट डेटा इज अवेलेबल, देन उसे वो बफर में लेके आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियली हमारे डेटा बेस में ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 6500 है, तो लेट्स हियर मैं यहाँ पे 6500 डाल दे रही हूँ। आई मीन ये T2 का बफर नहीं है बल्कि यहाँ पर मैं डेटाबेस डाल रही हूँ, इनिशियली जो ए की वैल्यू है वो हमारी 6500 है विच इज अवेलेबल इन द डेटाबेस। नाउ सबसे पहले T1 ट्रांजेक्शन काम करना चालू कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे रीड ए हुआ, दैट मीन्स इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर इन द बफर। तो वो देखो अपने बफर में यानी कि मेन मेमोरी में आ गया है, यही डेटा उठ के मेन मेमोरी में आया। आप देखो यहाँ पे भी 6500 लिया, आई मीन 6500, एंड द बफर इज ऑल्सो कंटेनिंग द सेम वैल्यू विच इज अवेलेबल इन द डेटा बेस। आई मीन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो भी डेटा होगा कम्प्लीटली वो बफर में स्टोर हो जाएगा। तो नाउ आप देख सकते हैं एक ही वैल्यू कितनी है, 6500। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन दैट इज ए इक्वल टू ए, यानी ए की जो भी वैल्यू उसमें से हमने 500 लेस किया, देन योर वैल्यू विल बी 6000। तो ए की वैल्यू अभी करेंटली इस सिचुएशन पे कितनी आ जाएगी, 6000। नाउ राइट ए परफॉर्म करोगे तो इसका मतलब जो भी आपने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको आपने अपडेट कर दिया, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है, 6000। अब आप देखिए T1 ने कमिट नहीं किया है, इसी अनकमिटेड डेटा को रीड करने जा रहा है T2, क्योंकि करेंटली बफर में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है कि दैट इज अ 6000। आई एम नॉट, अभी तक आपका जो ए का डेटा बेस है यानी सेकेंडरी डिवाइस में 6500 ही, आई मीन 6500 ही अवेलेबल है, बट अभी बफर में 6000 है विच इज नॉट अपडेटेड। ये अपडेट कब होगा, जब कमिट परफॉर्म होगा, बट T1 ने तो कमिट किया ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 6500, और ए के बफर में 6000। नाउ दिस अनकमिटेड डेटा इज रीड बाय दिस या रेड बाय दिस T2, सॉरी यहाँ पे T2 रीड कर रहा है, तो वो कितना रीड करेगा, 6000। इट विल नॉट रीड 6500 बिकॉज ये तो बफर से उठाएगा ना, जो मेन मेमोरी में डेटा पड़ा है वो जाएगा नहीं, जब उसे रास्ते में ही डेटा मिल जाएगा तो आगे क्यों जाएगा ढूंढने के लिए, वो तो उसे बफर में मिल गया, दैट मीन्स आपका जो शेयर्ड मेमोरी होती है, एडमिन मेन मेमोरी होती है, उससे ही डेटा उठा लेगा। तो इसने ए की वैल्यू कितनी रीड करी, 6000। इसने परफॉर्म किया, ए को इंक्रीमेंट कर दिया 1000 से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 7000 हो गया। देन इसने राइट किया तो कितना अपडेट हो गया, दैट मीन्स 7000 ही है ए की वैल्यू। और अब आप देख सकते हो कि T2 ने कमिट कर दिया, जब इस जैसे ही इसने कमिट किया तो एट दिस मोमेंट डेटाबेस की वैल्यू भी कितनी हो गई, 7000। अभी तक 6000 था, आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे क्या होगा, 7000 आपके सेकेंडरी डिवाइस में अपडेट हो गया, यानी बफर भी 7000 हो गया एट दिस मोमेंट एंड आपका डेटाबेस भी 7000 हो गया आफ्टर दिस लाइन। ये देखिए मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। नाउ T2 के कमिट होने के बाद आपका सिस्टम जो है यहाँ पे, लेट्स टेक कि सिस्टम हमारा फेल हो गया ड्यू टू एनी रीजन, क्रैश हो गया,
या कुछ भी हो गया, ड्यू टू एनी फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया, किसी भी कारण से आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो गया. आई मीन T1 ने अभी तक कमिट नहीं किया था, T1 के कमिट करने से पहले ही, और T2 कमिट कर चुका था लेकिन T1 कमिट नहीं कर पाया था, उससे पहले आपका सिस्टम क्रैश हो गया. जैसे कल एक बच्चा मेरे को वाइवा दे रहा था और उसने मैसेज करके भेजा कि मैडम मेरा सिस्टम क्रैश हो गया, आई एम अनएबल टू गिव द वाइवा, आई विल गिव टुमारो. तो दैट इज द रीजन यहाँ पे, सपोज T2 यहाँ पर है, उसने कमिट कर लिया बट T1 ने नहीं किया, सिस्टम फेल हो गया. जैसे ही इस मोमेंट पे फेल हुआ, एज अ डेटाबेस का आप कह सकते कैरेक्टर है या उसका नेचर ऐसा है कि जैसे ही वो फेल होता है, अगर डेटा कमिट नहीं है तो वो ऑटोमेटिक जहाँ से उसने काम करना चालू किया था वहाँ तक वो रोल बैक हो जाएगा. दैट मीन्स रीड ऑपरेशन से पहले ए की वैल्यू डेटाबेस में कितनी थी, 6500. ये यहाँ पर इसने माइनस किया था, वो सारी चीज़ें भूल जाएगा, उसको तो बस ये याद रहेगा कि भाई मेरे काम करने से पहले जो डेटाबेस की वैल्यू थी उस पॉइंट तक ये रोल बैक कर देगा. इसने जैसे ही रोल बैक किया तो ये कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी थी, इसको कितना याद था, लास्ट जो भी ट्रांजेक्शन रहा होगा अगले दिन का या पिछले दिन का वो वहाँ तक पहुँच जाएगा. दैट मीन्स ए के पहले तक आएगा और इसको याद रहेगा कि भाई मैं तो 6500 था. डेटाबेस ऑटोमेटिक क्या हुआ, रोल बैक हो गया, अंडू हो गया. तो उसको तो डेटाबेस में उसने क्या किया, जाके डेटाबेस को अपडेट कर दिया 6500, जो कि सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद डेटाबेस 7000 अपडेटेड था, पर अब ये 7000 कट के कितना आ जाएगा, 6500. तो आपने देखा अब इसने अपडेट किया, ड्यू टू दिस फेलियर ऑफ द सिस्टम नाउ योर डेटाबेस इज अपडेटेड फ्रॉम द 7000 टू 6500. अब आप देखिए क्या ब्लंडर मिस्टेक हुई यहाँ पर, भाई पहले तो 7000 हुआ था, अभी देखो रोल बैक होके 6500 आ गया. तो इसको अब जो सेकेंडरी डिवाइस में या हार्ड डिस्क में जो हमारा डेटा भरा है वो 6500 आ गया, तो इसे बोलते हैं यहाँ पर लॉस हो गया. कौन सा डेटा लॉस हुआ, T2 का. T2 ने जो भी काम किया था ड्यू टू दिस फेलियर ये यहाँ पर लॉस हो गया. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अब हम ये पार्ट ऑफ द वर्क जो सिस्टम ने किया था उसे हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, एंड विच इज नॉट रिकवरेबल, दैट इज कॉल्ड इन टेक्निकल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द इररिकवरेबिलिटी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इररिकवरेबिलिटी. तो यहां पे आई होप कि आप सबको इररिकवरेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया. ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस कमिट के पहले सिस्टम फेल होने के कारण जो T2 के द्वारा किया गया काम था वो डेटाबेस से गायब हो गया. भाई 7000 से वापस वो आ गया 6500 में, जो उसका इनिशियल वैल्यू थी. तो दिस इज कॉल्ड द लॉस. और जहां पे लॉस हो गया, जिसे आप वापस गेन नहीं कर सकते, वो कहलाता है इररिकवरेबिलिटी. किसी को इतनी चीजों में डाउट है तो बोलो, अनम्यूट करो और अपने आप को बोलो इफ यू हैव, अदरवाइज मैसेज करो. आप लोग वॉइस वाला क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, नोबडी इज हैविंग द मैसेज, ओके नो इशू. रिकवरेबिलिटी आई थिंक सबको समझ में आ गया है. रिकवरेबिलिटी अगर आपको क्लियर हो गई तो फिर ठीक है, मैं आगे मूव करती हूँ. तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो इररिकवरेबिलिटी क्या होती है, वो आप सबको क्लियर हो गया. सेम चीज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेम एग्जांपल है, आई मीन थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन दिस एग्जांपल आल्सो कि ये रीड हुआ, देन अगेन यहाँ पर राइट हुआ, ये अनकमिटेड डेटा को रीड कर रहा है यहाँ पर ये T2. एंड अब आप देख रहे हो कि फेलियर पहले, अब आप कहोगे पहले इसने T1 को कमिट किया फिर T2 को कमिट किया, लेकिन इस कमिट के होने से पहले ही ये फेल हो गया. तो जब ये फेल हो गया तो क्या करेगा, ये तो रोल बैक होगा ही होगा, साथ में इसे भी रोल बैक कर लेगा. तो दैट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इररिकवरेबिलिटी, क्योंकि ये तो रोल बैक हुआ, इसने तो वापस ला ही दिया, और इसने यहाँ पे बस ऑर्डर थोड़ा चेंज कर रही थी कि यहाँ कमिट ना होके यहाँ पे बाद में कमिट होना था, लेकिन इसके द्वारा जो भी काम हुआ था वो भी यहाँ से रोल बैक हो जाएगा. तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इररिकवरेबिलिटी.
नाउ दैट टेक द नेक्स्ट वन रिकवरेबिलिटी, क्या सिचुएशन होगी जब हम डेटा को रिकवर कर पाएंगे? ऑलरेडी आई डिस्कस दिस वन ऑल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर कि कब हम डेटा को रिकवर कर पाएंगे. नाउ अगेन यहाँ पर देखिए बफर में कितना है, डेटाबेस में कितना है, हमारे पास करेंटली 6500 है. 6500 है जब T1 ने काम करना स्टार्ट किया तो रीड किया A और उसने कितना बफर में स्टोर कर लिया 6500, क्योंकि डेटाबेस से उसने डेटा को रीड किया तो 6500 था तो यहाँ स्टोर हो गया बफर की वैल्यू. नाउ इससे 500 माइनस किया तो 6000 होगा एट दिस मोमेंट. नाउ राइट किया 6000. अब देखिए यहाँ पर इसने कमिट किया. जब यहाँ पर इसने कमिट किया तो एट दिस मोमेंट आप यहाँ पर देखोगे कि डेटाबेस भी अपडेट हो गया. यहाँ पर ये गलत है, एट दिस मोमेंट यहाँ पर 6500 होगा. जब उसने राइट किया, बफर में राइट हुआ है अभी तक डेटाबेस में नहीं, तो यहाँ पर ये जो है जहाँ से भी नोट किया ये रॉन्ग है. तो यहाँ पे ये 6500 होगा. जब ये कमिट करोगे, जब तक आप सेव नहीं करते हो आपको पता है डेटा आपका सेव नहीं होता. जैसे ही आपने कमिट किया, आई मीन आपने सेव किया, तो आपका जो डेटाबेस 6500 था वो अपडेट होके 6000 हो गया. तो यहाँ पर एट दिस मोमेंट ये 6000 हो गया. और उसके बाद देखिए ट्रांजेक्शन T2 ने डेटा को रीड किया, तो ये जो रीड करेगा आप ये नहीं कहोगे कि भाई तुम चले गए डेटाबेस के पास, वो अगेन इस बफर से ही रीड कर रहा है. बफर के साथ साथ यहाँ पर आपका डेटाबेस भी जो है वो 6000 है, तो बोथ आर सेम. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दिस डेटा T2 इज रीडिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. नो, इट इज नॉट रीडिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, इट इज रीडिंग द बफर ऑफ द T1s. T1 ने जो बफर में डेटा स्टोर किया है उससे ये डेटा रीड कर रहा है, और इसने कितना रीड किया 6000. अगेन आपने 1000 का इंक्रीमेंट किया तो आपका बफर कितना हो गया 7000, लेकिन आपका डेटाबेस आप देख सकते हो 6000 ही है. अगेन यहाँ पर राइट ऑपरेशन हुआ, बफर तो 7000 है लेकिन आपका डेटाबेस यहाँ पर 7000 नहीं आएगा. जब जैसे ही इसने यहाँ पे इस मोमेंट पे कमिट किया तो नाउ ए की वैल्यू ये 7000 हो जाएगी. तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है 7000 हो गया. अब तो इस ऑर्डर से यानी कि जो जैसा काम करता जाए अगर वो वहीं का वहीं सेव करे तो आप देख सकते हैं कि T2 ट्रांजेक्शन इज रीडिंग द डेटा विच इज कमिटेड. अगर ये कमिटेड डेटा को रीड करेगा तो हम कह सकते हैं ये रिकवरेबल है. अगर हम ये यहाँ पे बात करें कि अगर अब यहाँ पर फेल हो गया, तो ये फेल हो गया तो डेटाबेस में तो ऑलरेडी आपका 7000 सेव हो गया ना, सेव है. यानी कि जब फेल हुआ तो आपका डेटाबेस 7000 ही उसे मिलेगा. सपोज करिए इस मोमेंट पे हुआ, इस कमिट के बाद हुआ, पहले वाले कमिट के बाद फेल हुआ सिस्टम, तो ये जो काम हुआ था इसका मतलब ये तो काम हो ही नहीं पाएगा. फेलियर पहले आ गया, सेकेंड ने कुछ काम ही नहीं किया है, तो जो भी इस कमिट के पहले तक काम हुआ है वो सारा का सारा, दैट मींस आपका डेटाबेस 6000 मिलेगा. तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंसली जैसे हमने काम किया उसे सेव कर दिया. अक्सर हम बोलते हैं ना कि जब भी आप कोई राइटअप कर रहे हो कंट्रोल एस करते जाओ, आई मीन अपना, ताकि जो भी लास्ट चेंजेस आपने करे अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुआ, शटडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, तो आपका लास्ट मोमेंट पे जो भी आपने सेव किया है डेटा वो वहां तक आपको मिल जाए जब आप नेक्स्ट टाइम सिस्टम ओपन करें. द सेम थिंग यहाँ पे, तो दिस एग्जाम्पल इज नथिंग बट द रिकवरेबल. This is the example of recoverable. And with cascading rollback, क्यों बोल रहा है? I mean, जो first type का हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था cascading schedule, cascadeless and strict schedule. And this is the example of cascading rollback. कारण क्या है? अगर मैं ये बोलूँ कि अगर एक फेल होगा, सपोज करिए यहाँ पे ये फेलियर हुआ, तो अगर ये रोल बैक होगा तो ये ऑटोमेटिक रोल बैक होगा. बट यहाँ पे रोल बैक की सिचुएशन इसलिए नहीं आएगी, सपोज करिए इस पहले वाले कमिट के पहले ही ये फेल हो गया, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि भाई जब इसने रीड ही नहीं किया तब तक तो ये काम ही नहीं किया ना, इसने रीड ही नहीं किया, तो जो भी इसने काम किया यहाँ से ये, तो अगर हम ये कहें कि अनकमिटेड डेटा को ये रीड कर रहा है तब तो हम कहेंगे कि हाँ एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से डेटा रीड कर रहा है, अगर वो फेल होता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड था, वो भी रोल बैक हो जाएगा. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कास्केडिंग रोल बैक. कास्केडिंग रोल बैक का मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको रिकवरेबिलिटी एंड इररिकवरेबिलिटी की बात करी, तो कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो. कब हमें इररिकवरेबल होगा? व्हेन अनकमिटेड. आपने अभी दो एग्जाम्पल से देखा कि व्हेन अनकमिटेड डेटा इज रीड बाय
another transaction is called dirty read. Already we discussed that dirty read क्या होता है भाई. अगर जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बोला था कि वो डर्टी रीड था क्योंकि वो डेटा कमिट नहीं हुआ था और टी टू ने उस डेटा को रीड किया, तो वो कहलाता है डर्टी रीड. आई विल शो कौन सा डेटा डर्टी रीड है. जैसे ये वाला देखिए, यहां पर ये वाला जो राइट हुआ, उस राइट के बाद ये जो रीड परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये कमिट परफॉर्म नहीं हुआ. टी वन ने कोई कमिट नहीं किया और टी टू ने रीड किया, तो दिस इज कॉल्ड द डर्टी रीड. तो अगर कोई ट्रांजेक्शन डर्टी रीड कर रहा है तो मान के चलिए, मान के क्या 100% वो इररिकवरेबल शेड्यूल है. अगर कोई ट्रांजेक्शन डर्टी रीड नहीं कर रहा है, आई मीन अच्छी रीडिंग कर रहा है, अच्छी रीडिंग का मतलब हुआ कि ये कमिट हो चुका है, इसने कमिट कर लिया और इस कमिटेड डेटा को अगर ये रीड कर रहा है तो वो रिकवरेबल होगा. तो इसका मतलब अगर डर्टी रीड प्रेजेंट है तो इररिकवरेबल शेड्यूल होगा, अगर डर्टी रीड प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे रिकवरेबल शेड्यूल कहेंगे. नाउ तो पहला पॉइंट ये था कि डर्टी रे देन इट इज इररिकवरेबल. तो व्हेन अनकमिटेड डेटा इज रीड बाय अनदर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डर्टी रीड. देन मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इस पे, देन दिस type of schedule is called irrecoverable. दूसरा पॉइंट हम यहां पे बात कर सकते हैं, when transaction not having dirty read then schedule is called recoverable. अभी अभी हमने देखा इसे कि कैसे वो recoverable है और कैसे वो irrecoverable है. एक तीसरा special case भी है, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा. यहाँ पे if dirty read है फिर भी हम कहेंगे वो recoverable है. if dirty read is there then schedule is recoverable when transaction commit serially. That is पहले T1 commit करे एंड देन टी टू कमिट करे. आई विल शो दिस एग्जाम्पल कैसे मैं बोल रही हूं इस चीज को, जस्ट वेट हियर, आई विल शो दैट. आई विल टेक हियर थ्री एग्जाम्पल, आई मीन थ्री ट्रांजेक्शंस. एक शेड्यूल लिया, उसमें तीन ट्रांजेक्शन है. सपोज इसने रीड किया, देन राइट किया, एंड देन यहाँ पे ये कमिट भी हो गया. ठीक, इसने अपना काम किया, खत्म. नाउ अगेन टी टू ने स्टार्ट किया काम और इसने रीड किया, अगेन इसने भी राइट किया और देन इसने भी अपना काम खत्म करने के बाद कमिट कर दिया. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर रीड हुआ, राइट हुआ एंड देन थर्ड ने भी कमिट कर दिया. तो आप देख रहे हैं सीरियली ये कमिट हो रहा है. दैट मीन्स आप देखें तो यहाँ डर्टी रीड भी प्रेजेंट नहीं है, है ना. तो यहां पर देखिए, यहां पे कोई भी डर्टी रीड नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं इनके बीच में नो डर्टी रीड, नो डर्टी रीड. यहां पे भी आप देख सकते हैं नो डर्टी रीड, क्योंकि कमिटेड डेटा को वो रीड कर रहा है तो डर्टी रीड नहीं है. और अगर अब मैं यहां पे कहूं फेलियर होगा, तो फेलियर अगर इस मोमेंट पे भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो कमिट हो चुका है. जो भी इसने लास्ट अपडेट किया होगा वही आपको फाइनली लास्ट में मिलेगा. मान लीजिए यहाँ पे 6000 था, तो ये 6000 ही दिखाई देगा लास्ट जो कमिट है. सपोज करिए आप कहिए नहीं जी हम तो यहाँ पे कह रहे हैं फेलियर हो गया, तो भी इशू नहीं, ये वाला पार्ट आपका रोल बैक हो गया. इसके रोल बैक से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे कमिट कर रखा है. सपोज करो इसके कमिट होने से पहले फेलियर हो गया, तो इसका मतलब क्या क्या चीज रोल बैक हो जाएगी, ये भी रोल बैक हो जाएगा. आई मीन
क्योंकि इसका डेटा ही तो ये रीड कर रहा था ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका डेटा रीड कर रहा था, तो ये जब रोल बैक होगा, ये इसका अपने इनिशियल पे पहुंचेगा, तो इससे जो भी चेंजेस इसने किए थे, क्योंकि यहाँ पर फेल हो रहा था, इसका मतलब ना तो ये कमिट कर पाया था ना ये कमिट कर पाया था, दोनों लोग कमिट नहीं कर पाए थे, तो इसका मतलब जब रोल बैक होगा तो इसके कमिट करने तक जो भी डेटा डेटाबेस में सेव हुआ था वहां तक आपको डेटा मिल जाएगा। अगर इस मोमेंट पे फेल हो गया तो इसका मतलब किसी के द्वारा अपडेट किया हुआ डेटा आपको डेटाबेस में नहीं मिलेगा। इवन ये जब रोल बैक होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये दोनों तो तब तक काम करे ही नहीं है। अगर ये यहाँ पे फेल हो रहा है तो इसका मतलब T2 एंड T3 ने तो काम स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। तो दैट मीन्स ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, आई मीन दिस इज नथिंग बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब डर्टी रीड नहीं है तो 100% वो रिकवरेबल है, आई मीन कहीं पर भी डेटा आपका लॉस नहीं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू विच आई डिस्कस हियर। अभी आपको मैंने बताया था ये वाला सेकेंड पॉइंट, तो ये था कि वेन ट्रांजेक्शन डज नॉट हैव एनी डर्टी रीड इन द शेड्यूल इज कॉल्ड द रिकवरेबल। तो ये हो गया। अब यहां पर अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लूं कि मैंने जो बोला वो क्या चीज था, थर्ड पॉइंट कि भाई डर्टी रीड होने के बाद भी हम ये कहेंगे कि तुम रिकवरेबल हो, कैसे होगा देखते हैं। इस सी का मतलब यहां पर कोई डेटाबेस नहीं है, कमिट लिखा है मैंने, कमिट। अब आप देखिए यहां पे T1, ये देखिए एक डर्टी रीड यहां प्रेजेंट है, दिस वन इज द डर्टी रीड एंड दिस इज आल्सो द डर्टी रीड, क्योंकि कमिट नहीं हुआ है तो ये भी डर्टी रीड है। तो इसका मतलब है कि जो भी अपडेट किया T1 ने उसको रीड कर रहा है T2 एंड विच इज नथिंग बट द डर्टी रीड। अब आपको कहोगे पहला पॉइंट तो ये कहा है मैम ने कि डर्टी रीड है तो वो इररिकवरेबल होगा, बस देखा और बोल दिया, नहीं आपको पूरा देखना पड़ेगा। नाउ द T2 ने जो काम किया उसको रीड कर रहा है T3 एंड विच इज ऑल्सो अनकमिटेड डेटा। इस मोमेंट पे देखिए कोई कमिट नहीं हुआ, ना ही यहाँ पे कोई कमिट हुआ, बल्कि अब देखिए यहाँ पे क्या, तीनों ने अपना अपना काम कर लिया, ठीक है इन्होंने भी डर्टी रीड किया, इन्होंने भी डर्टी रीड किया, बट अगर आप देखिए यहाँ पर कमिट होने का सीक्वेंस, सबसे पहले T1 ने किया, फिर T2 ने, फिर T3। रिकवरेबल अगर मैं बोलूँ इस कमिट के पहले फेल हो गया आपका ये जो T1 है, T1 के कमिट होने से पहले फेल हो गया। आप देख सकते हो कि T1 इस फेलियर पॉइंट जब हो रहा है उस समय ना तो T1 ने कमिट कर रखा है, ना ही T2 ने, ना ही T3 ने। तीनों तो काम तभी होगा ना जब हम इस मोशन तक पहुंचेंगे, आई मीन इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, और यहाँ पर ही फेलियर हो गया हमारा, यहाँ पे फेल हो गया ये। जब फेल हुआ तो आप कहोगे भाई फेलियर पॉइंट तो ये T1 ने स्टार्ट किया, T1 काम कर रहा था, उसका सिस्टम क्रैश हो गया, इसने जब रोल बैक किया यहाँ पहुंच गया, जब ये रोल बैक हुआ तो इसका डेटा भी रोल बैक हुआ, साथ ही साथ ये भी रोल बैक हुआ, क्योंकि ये T2 डिपेंड किसके ऊपर था, T1 के ऊपर ना, T1 ने जो काम किया उसका डेटा इसने रीड किया, वो भी रोल बैक हो गया। इसी तरह से T2 ने जो काम किया वो T3 ले रहा है उस डेटा को। तो जब ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, इसको रोल बैक किया, तो ऑटोमेटिक इसका भी डेटा रोल बैक हो गया, इसका भी डेटा रोल बैक। इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग शेड्यूल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कास्केडिंग रोल बैक, कास्केडिंग रोल बैक, आप इसे कास्केडिंग रोल बैक भी कह सकते हो, साथ ही साथ आप कह सकते हो ये रिकवरेबल है। आप कहोगे रिकवरेबल कैसे हो गया, रिकवरेबल का मतलब है कि कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ये कमिट नहीं करेगा तब तक ये डेटाबेस को अपडेट नहीं किया, ये तीनों जितना भी काम करें अभी सबका सब डेटा वो बफर पे ही पड़ा हुआ था। अब बफर का डेटा जो है डेटाबेस में तब तक अपडेट नहीं होता, ये बफर जो है डेटाबेस को तब तक अपडेट नहीं करता जब तक कि उसे कमिट ना मिले। पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया था, पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको ये दिखाया था कि T2 जो था वो कमिट कर चुका था, और उसके कमिट करने से डेटाबेस में चेंज आ गया था, और वो चेंज जब T1 ने रोल बैक किया तो वो
हटके फिर से ओरिजिनल आ गया था, तो वो डेटा लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ द डेटा एंड दैट इज कॉल्ड द इररिकवरेबल। बट यहाँ पे क्या है, जितने भी आप कहोगे मैडम नहीं T1 तो रोल बैक हुआ, तो T2 ने जो काम किया वो भी तो रोल बैक हो गया, ये भी तो रोल बैक, बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो रोल बैक हो रहा है, मैं तो बोल ही रही हूँ रोल बैक हो रहा है ना। रोल बैक होने की वजह से केवल बफर ही तो रोल बैक हो रहा है, डेटाबेस तो पहले से ही 6500 था, अभी भी 6500 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस हुए नहीं थे, चेंजेस कहाँ पे हुए थे, इस बफर में हुए थे, ये 7000 हुआ था, बट ये 7000 इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द कास्केडिंग रोल बैक, और यू कैन से रिकवरेबल भी है, ये रिकवरेबल है, आई मीन डेटा हमारा रिकवरी हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं, यहाँ पे देखिए आप गए, कोई लॉस तो हुआ नहीं, जब लॉस नहीं हुआ तो हम इसे रिकवर, सपोज करो ये कमिट हो गया, ये तीनों परफॉर्म कर लिए कमिट, तो इसका मतलब एक देखो सीरियली यहां पर ये कमिट हो रहा है, तीनों एक साथ अपना एक के बाद एक कमिट हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे जिस ऑर्डर में ये काम किया उसी ऑर्डर में कमिट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करो यहां पर ये फेलियर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कहां तक रोल बैक होगा, अगर ये T1 एंड T2 अपना काम कर लेंगे, जो भी इन्होंने काम किया ये दोनों तो प्रॉपर है, लेकिन ये डर्टी रीड के कारण ये रोल बैक होगा, और जब ये रोल बैक होगा तो इसका डेटा रोल बैक होगा केवल यहाँ तक। अगर मैं कहूँ इस मोमेंट पे यहाँ पर रोल बैक हो रहा है, फेल हो रहा है ये, तो T1 का काम तो सेव हो जाएगा डेटाबेस में, लेकिन T2 एंड T3 ने कमिट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इस मोमेंट पे अगर फेल होता है, तो इसका मतलब T2 एंड T3 का डेटा रोल बैक हो जाएगा, बाकी वो पड़ा रहेगा। जब T2 रोल बैक होगा तो ऑटोमेटिक T3 को भी रोल बैक करेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि डर्टी रीड होने के कारण भी डेटा जो है रिकवरेबल हो सकता है, बशर्ते वो जो कमिट हुआ है वो सीरियली होना चाहिए, जैसे काम चल रहा है वैसे ही ऑर्डर में अगर करे। अगर मैंने इसी को उल्टा काम कराया, दैट मीन्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब मैं बोलूं ये कमिट किया फिर ये कमिट किया और ये कमिट किया, अब देखिए यहां पर इशू देखिए क्या आएगा, इसने कमिट किया मान लीजिए यहां तक जो डेटा में चेंजेस आए वो 6000 आए, हमारा डेटाबेस था 6500, इसने क्या किया डेटाबेस को क्या कर दिया यहां पर अपडेट कर दिया 6000, ठीक। और इस मोमेंट पे अगर मैं बोलूं डेटाबेस में जो चेंजेस हुए थे वो 5000 थे, बट क्योंकि यहां पर हमने कमिट अभी तक नहीं किया लेकिन ये कमिट यहां पर हो गया, तो इस कमिट की वजह से अब जो डेटाबेस हो गया वो 5000 हो गया। मान लीजिए इस कमिट की वजह से डेटाबेस में 4000 होता, अगर ये प्रॉपर ऐसे काम करता, तो फाइनली जो लास्ट में डेटाबेस में था, स्टार्ट कहां से हुआ था 6500 से, बट अभी लास्ट में देखिए तो हमारे पास जो तीसरे कमिट के बाद इस ऑर्डर में अगर होता तो ये 4000 होता। सपोज अगर मैं बोलूं यहां पर ये फेलियर हुआ, यहां पर ये फेलियर हुआ इस मोमेंट पे ये फेल हुआ, अब यहां पर जब ये फेल हुआ तो इसने क्या किया अपना रोल बैक किया, और इसने ही सबसे पहले डेटा को रीड किया था, तो इसने तो रीड किया था डेटाबेस से 6500, इसने ले जाके डेटाबेस को जहां पर अभी अगर ये कमिट होता तो 4000 करता, तो उसने क्या किया उसे ले जाके 6500 बना दिया, जबकि फेल तो ये हुआ है, तो इस मोमेंट तक डेटा आपका सेव हो चुका था, यहां तक मैंने कहा था 5000 है और यहां तक 6000 है, यानी कि फाइनली जो डेटाबेस में आना चाहिए इस मोमेंट तक के लिए वो आना चाहिए 5000, बट अभी आपको डेटाबेस में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है 5000 की जगह 6500 दिखाई देगा। दैट मीन्स इसने क्या किया, क्योंकि ये रोल बैक हुआ, इसने रीड जो किया था उस मोमेंट तक इसने रोल बैक कर दिया, और इसके द्वारा जो भी चेंजेस हुए उसी को तो रीड कर रहा था ये, मान लीजिए इसने जब अपने चेंजेस करे थे तो इसने कर दिया था डेटाबेस को 4000, और उसको इसने रीड किया, इसने इंक्रीमेंट करके 5 किया था, इसने इंक्रीमेंट करके यहाँ 6 कर दिया था, फाइनली जो डेटाबेस अगर फेलियर हो रहा तो यहाँ पर 5000 आना चाहिए, बट नहीं, यहाँ 5000 ना दिख के 6500 दिख रहा है, क्योंकि T2 जो है वो डिपेंड कर रहा है T1 पे एंड T3 डिपेंड कर रहा है T2 पे, तो जब ये रोल बैक हुआ तो ऑटोमेटिक इनका जो काम था वो ऑटोमेटिक लॉस हो गया, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पे डेटाबेस में क्या दिखाई देगा 6500 इसके फेलियर के कारण,
लेकिन अगर मैं बोलूं ये फेल हो जाए, अगर ये फेल हो जाए इस मोमेंट पे, तो आप देख सकते हो कि इसके काम करने के बाद कितना था, 6000। लेकिन ये अभी डेटाबेस अपडेट ही नहीं हुआ तीनों के द्वारा कहीं पर भी, कमिट तो बाद में आएगा ना, तो इसका मतलब है बफर में जो 6500 था वही रहेगा। तो ये देखो, ये सी जो है ये बहुत मेजर रोल क्रिएट करता है, किस मोमेंट पे और कहाँ फेलियर है ये है। तो अब ये वाला एग्जाम्पल जो है इररिकवरेबल है, जब मैंने सी को ऐसे लिखा है। अगर मैंने सी को पहले जिस ऑर्डर में लिखा था ऐसे ऐसे और ये वाला ऑर्डर, तो आप देख रहे थे सीरियल ऑर्डर था। सीरियल ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन ऑल्सो। पहले आप देखो यहाँ पिक्चर से लग रहा है कि T1 काम कर रहा है, फिर T2 काम कर रहा है, फिर T3 काम कर रहा है। और अगर उसी ऑर्डर में आपका कमिट भी हो रहा है तो हम कहेंगे वो रिकवरेबल है। अगर उसके अपोजिट कमिट हो रहा है कि लास्ट में T3 ने करा तो उसने कमिट किया, फिर T2 उल्टा हो रहा है, तो वो आ जाएगा इररिकवरेबल। आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हो एक ही प्रॉब्लम में मैंने उसे रिकवरेबल और इररिकवरेबल दोनों बताया आपको कैसे हो रहा है। एंड दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो द कास्केडिंग रोल बैक, क्योंकि इस ऑर्डर में अगर ये फेल होता है तो ये ऑटोमेटिक ये रोल बैक होगा, तो ये भी होगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो लास्ट में हो रहे हैं ना कमिट। तो दिस इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कास्केडिंग रोल बैक। एक जो है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ऑटोमेटिक वो सबको रोल बैक कर दे रहा है। Anybody have any question? तो आई थिंक रिकवरेबल और कास्केडिंग रोल बैक सभी को क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी जो दो मैथड मैंने बताया।